तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडिया में 5G बहुत जल्द ही आ ही जाएगा, तो ऐसे में अगर आप कोई लॉन्ग टाइम यूज के लिए अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आपको 5G स्मार्टफोन ही लेना चाहिए, ताकि जब भी 5G आए तो 5G नेटवर्क का आप यूज कर सकें। तो ऐसे में हम आपको टॉप 4 बेस्ट 5G स्मार्टफोन बताने वाले हैं, जिसे आप खरीद पाएंगे 14,000 के अंडर में, जिनमें आपको नो डाउट प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का मिल जाएगा। पहली बात तो ये सभी फोन 5G फोन ही होगा, एंड इन सभी में आपको एक अच्छा पावरफुल प्रोसेसर मिल जाएगा, जिससे आप अच्छा ऐसा गेमिंग कर सकते हैं। अच्छा कैमरा मिलेगा, अच्छा डिस्प्ले होगा, उसके साथ साथ हाई रिफ्रेश रेट भी होगा, फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलेगा, बड़ा रैम स्टोरेज होगा। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग इनमें आपको सभी फीचर काफी धांसू लेवल का दिया गया है। तो अगर आपको अभी के टाइम पे 14,000 रुपया में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए या फिर कोई 5G स्मार्टफोन ही चाहिए ना, तो आप इनमें से किसी भी फोन को ले सकते हैं। तो फिर ज्यादा टाइम आपका ना लेते हुए चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो अपने लिस्ट का फोर्थ नंबर पे आता है इन्फिनिक्स के तरफ से इन्फिनिक्स नोट 12 5G। जी हाँ दोस्तों, ये फोन जो है ना अभी के टाइम पे आपको काफी सस्ता में मिल जाएगा, एंड 12,000-13,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से इस फोन को आप एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन कह सकते हैं। तो फिर चलिए जानते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। तो इनमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जो कि 6.7 इंच का फुल HD प्लस है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, जिससे आपको मूवी देखने में या फिर गेमिंग करने में काफी मजा आएगा, और 700 निट्स का ब्राइटनेस मिल जाएगा, जिससे आपको सनलाइट या आउटडोर में दिक्कत नहीं होगा। और 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी दिया गया है, जो कि ठीक ठाक ही है। अगर आप चाहे तो गेमिंग भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। और इसके ऊपर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, जो कि ठीक ठाक ही है। ये तो हो गया डिस्प्ले, डिस्प्ले इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी अच्छा दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन का कैमरा का। तो पीछे के साइड आपको 3 कैमरा मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा डेप्थ सेंसर है जो कि 2 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा AI लेंस है, और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। कैमरा भी जो ना इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक ठाक ही है, और आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। तो अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का। तो इनमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलेगा, और ये प्रोसेसर जो है ना 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है, और इस प्राइस रेंज के हिसाब से जो है ना ये प्रोसेसर एक अच्छा पावरफुल प्रोसेसर है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। एंड 3.5 लाख प्लस इस फोन का अंतु स्कोर भी है, और इस प्राइस रेंज के हिसाब से स्कोर काफी बढ़िया है। और बात करें बैटरी का, तो इनमें आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा, जो कि सपोर्ट करता है 33W का चार्जर को। ये चार्जर आपके फोन को काफी फास्ट चार्ज करके देगा। अब बात कर लेते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो इनमें आपको 6GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, और आप चाहे तो 2TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। तो इस फोन का प्राइस को बाद में बताने वाले हैं, उससे पहले कर डाल लेते हैं इनका अदर फीचर पे। तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पे बना हुआ मिलेगा, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, एंड डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है, जिससे आप 2 SIM एंड 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है, और इस फोन का 186g वेट है, जो कि ठीक ठाक ही है, एंड 7.9mm का थिकनेस है, काफी पतला सा फोन है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो XOS 10 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है। तो अब बात कर लेते हैं फाइनली इस फोन का प्राइस का। तो इस फोन को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 12,999 रुपया देना होगा, यानी कि 13,000 रुपया इस फोन का प्राइस है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस फोन को बैंक ऑफर लगाकर खरीदते हैं ना, तो 10,500 रुपया में यह फोन आपको मिल जाएगा। अगर बैंक ऑफर का जुगाड़ लग जाए तो, या नहीं तो 13,000 रुपया में यह फोन आपको मिल रहा है तो कोई खराब नहीं है, एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है ये। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। तो अपने लिस्ट का थर्ड नंबर पे आता है Realme के तरफ से Realme Narzo 50 5G, और ये फोन जो है ना अभी के टाइम पे आपको 14,000 रुपया में मिल जाएगा, एंड इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये फोन जो है ना एक अच्छा स्मार्टफोन है। तो अगर आपको 14,000 रुपया में एक अच्छा 5G स्मार्टफोन चाहिए ना, तो ये फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। तो ये फोन जो है ना प्लास्टिक बिल्ड पे ही बना हुआ फोन है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, जो कि ठीक ही है, और 8.1mm का थिकनेस है, काफी पतला सा एंड स्लिम फोन है, और 190g इस फोन का वेट है, जो कि लगभग नॉर्मल ही है। इनमें आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा, जिससे आप 2 SIM या फिर 1 SIM 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा। यूजर इंटरफेस की बात करें तो Realme UI 3.0 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है। और हाँ, 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा, स्टूडियो स्पीकर्स दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का। तो इनमें आपको 6.6 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, और 600 निट्स का
ब्राइटनेस मिल जाएगा, जिससे आपको सनलाइट या आउटडोर में दिक्कत नहीं होगा। बात करें स्मूथनेस की तो 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। और इस प्राइस रेंज के हिसाब से स्मूथनेस ठीक ठाक ही है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। ये तो हो गया डिस्प्ले, डिस्प्ले फोन का ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का, तो इनमें भी आपको मिलेगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 वाला प्रोसेसर। ये प्रोसेसर जो है ना एक अच्छा पावरफुल 5G प्रोसेसर है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। और 4 लाख के आसपास इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है, इस प्राइस रेंज के हिसाब से स्कोर काफी बेटर है। और बात करें बैटरी का, तो इनमें आपको 5000 mAh का बैटरी मिलेगा, जो कि सपोर्ट करता है 33 वाट का चार्जर को। ये चार्जर जो है ना आपके फोन को काफी फास्ट चार्ज करके देगा। तो अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको पीछे के साइड 2 कैमरा मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, और सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। और प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है। तो इस फोन का भी कैमरा जो है ना काफी अच्छा मिल जाएगा, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इस फोन का भी जो है ना प्राइमरी कैमरा काफी अच्छा मिलेगा, और बाकी कैमरा से उतना उम्मीद नहीं कीजिएगा। आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। और आप चाहे तो 256GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। और ये इस फोन का बेस वेरिएंट है, और इसी को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 13,999 रुपया देना होगा अमेजोन पर। इस फोन का और एक वेरिएंट आता है 6128, उस वाले वेरिएंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 16,000 रुपया देना होगा। और आपको बता दें कि इस फोन का बेस वेरिएंट जो है ना आपके लिए एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होगा, तो अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अदरवाइज चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। तो अपने लिस्ट का सेकेंड नंबर पे आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। और ये फोन जो है ना अभी के टाइम पे आपको 13,500 रुपया में मिल जाएगा। एंड इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये फोन जो है ना एक अच्छा धांसू लेवल का ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। इनमें जो है ना आपको अच्छा कैमरा मिल जाएगा, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अच्छा पावरफुल प्रोसेसर भी मिल जाएगा, जिससे आप चाहे तो गेमिंग भी कर सकते हैं। जब इस फोन का फीचर को एक्सप्लेन करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये फोन कैसा फोन है। तो फिर चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। तो ये फोन भी प्लास्टिक बिल्ड पे ही बना हुआ मिलेगा, प्लास्टिक का बैक प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। और 198 ग्राम इस फोन का वेट है, जो कि लगभग नॉर्मल ही है। 8.4mm का थिकनेस है, यानी कि ज्यादा मोटा फोन भी नहीं है, ठीक ठाक ही है। इनमें आपको 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा, डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है, जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा। यूजर इंटरफेस की बात करें तो UI कोर 4.1 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है। ये तो हो गया इस फोन का फीचर। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन का मैन फीचर का, तो इनमें आपको TFT डिस्प्ले ही मिलेगा, जो कि 6.6 इंच का फुल HD प्लस है। और काफी सारे लोग कंफ्यूजन में है कि TFT डिस्प्ले कैसा होता है। तो दोस्तों आप सिंपल में समझ लीजिए कि पहले TFT डिस्प्ले होता है, उसके बाद LCD डिस्प्ले होता है, उसके बाद IPS डिस्प्ले होता है, उसके बाद AMOLED डिस्प्ले होता है। मतलब अच्छाई में सबसे अच्छा AMOLED डिस्प्ले होता है, उसके बाद IPS LCD, उसके बाद TFT डिस्प्ले है। मतलब TFT डिस्प्ले भी ठीक ही होता है। और इनमें आपको 600 nits का ब्राइटनेस दिया गया है, जिससे आपको डे लाइट आउटडोर में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। बात करें स्मूथनेस की, तो 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। अब देख लीजिए कि स्मूथनेस इस फोन में काफी जबरदस्त का दिया गया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसके ऊपर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। डिस्प्ले भले ही TFT हो, बट स्मूथनेस काफी अच्छा मिल रहा है, प्रोटेक्शन काफी हैवी दिया गया है, तो इस हिसाब से डिस्प्ले काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो पीछे के साइड इनमें आपको 3 कैमरा मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, जो कि माइक्रो लेंस है, और सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। कैमरा जो है ना इस फोन का काफी जबरदस्त लेवल का दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर, और वहीं फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। सैमसंग जो है ना अच्छा कैमरा देने के लिए जाना जाता है, तो नो डाउट कैमरा इस फोन का आपको काफी बढ़िया मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का, तो इनमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर दिया गया है। ये प्रोसेसर जो है ना 8 नैनोमीटर पर बना हुआ है, एंड 13,000-14,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से प्रोसेसर काफी अच्छा है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। एंड 3 लाख प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है, स्कोर ठीक ठाक ही है। और बात करें बैटरी का, तो इनमें आपको 5000 mAh का बैटरी मिलेगा, जो कि सपोर्ट करता है 25W का चार्जर को, और ये चार्जर ठीक ठाक ही है। बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 4
4GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप चाहे तो 1TB तक का मेमोरी को लगा सकते हैं। और ये इस फोन का बेस वेरिएंट है और इसी को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 13,500 रुपया देना होगा। तो अगर आपको 14,000 के अंडर में एक अच्छा 5G स्मार्टफोन चाहिए जिसमें ऑलराउंडर सा फीचर मिले तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अदरवाइज चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का आखिरी फोन का। तो अपने लिस्ट का आखिरी एंड सबसे बेस्ट फोन आता है iQOO की तरफ से iQOO G6 Lite 5G। दोस्तों ये फोन जो है ना रिसेंटली लॉन्च हुआ है और प्राइस के अकॉर्डिंग इनमें आपको सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का मिल जाएगा और ये फोन जो है ना अभी के टाइम पे आपको 13,999 रुपया में मिल जाएगा। एंड इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये फोन जो है ना एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो अगर आपको एक अच्छा 5G स्मार्टफोन चाहिए या फिर कोई लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए ना तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो फिर चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। तो ये फोन प्लास्टिक बिल्ड पे ही बना हुआ मिलेगा, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है एंड 194 ग्राम इस फोन का वेट है जो कि नॉर्मल ही है। 8.3mm का थिकनेस है जो कि ठीक ठाक ही है, ज्यादा मोटा फोन भी नहीं है। 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा। हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है जिससे आप 2 SIM या फिर 1 SIM एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें तो फनटच OS 12 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है और सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। ये तो हो गया इस फोन का बेसिक फीचर। अब बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का। तो इनमें आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा जो कि 6.5 इंच का फुल HD प्लस है। बात करें स्मूथनेस की तो 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि इस प्राइस रेंज में 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। तो डिस्प्ले फोन का काफी बढ़िया मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो पीछे के साइड आपको 2 कैमरा मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50 MP का है, सेकेंड कैमरा 2 MP का है और सेल्फी कैमरा 8 MP का है एंड प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है। आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। तो इस फोन का प्राइमरी कैमरा जो है ना आपको काफी अच्छा मिल जाएगा जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं और बाकी का कैमरा उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का। तो इनमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 वाला प्रोसेसर मिल जाएगा और ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जिनमें ये प्रोसेसर लगा हुआ है। प्रोसेसर इस फोन का काफी ज्यादा पावरफुल है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं एंड 4 लाख के आसपास इस फोन का अंतु स्कोर भी है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से स्कोर काफी अच्छा है। बात करें बैटरी का तो इनमें आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 18 वाट का चार्जर को, जो कहना के लिए चार्जिंग में थोड़ा मोरा समय ले सकता है लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आपको अच्छा खासा बैकअप भी दे देगा, इसलिए बैटरी ठीक ठाक है। तो अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो इनमें आपको 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और ये जो है ना इस फोन का बेस वेरिएंट है और ये वाला वेरिएंट अभी के टाइम पे आपको मिल जाएगा 13,999 रुपया में। इस फोन का और एक वेरिएंट है 6128 और उस वाले वेरिएंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 15,500 रुपया देना होगा। दोनों वेरिएंट ठीक है। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो अपना बजट के हिसाब से वेरिएंट को चूज कर सकते हैं और इस फोन का बेस वेरिएंट जो है ना थोड़ा सा अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो अगर आपको एक अच्छा 5G स्मार्टफोन चाहिए ना 14,000 के प्राइस रेंज में तो ये फोन आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। और वैसे भी अब आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर होगा। और हमें उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।